आयुष्मान भारत योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पीओ कैसे करें, एनहेंस कैसे करें, वो सारी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की डिटेल आपके लिए कराता रहता हूँ। यहाँ से हम लॉगिन करते हैं, हमने हमारी जो आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है, और नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक कैप्चा कोड, कैप्चा कोड आपको साइड में यहाँ पर एंटर करना होगा। चलिए तो हम कैप्चा यहाँ पर एंटर कर देते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन के नीचे ऑप्शन है, लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन जो भी किया है अब तक वो सारा विवरण यहाँ पर शो हो जाएगा। ऊपर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइड में जो ऑप्शन है, जो भी आयुष्मान भारत योजना की प्रोसेस है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। पांच ऑप्शन रहेंगे, इसको पहला ऑप्शन रहेगा आपका पेशेंट रजिस्ट्रेशन का, तो हम यहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे। सबसे पहले पीएमजेवाई आईडी का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और जो हमारे आईडी है पीएमजेवाई वो आईडी यहाँ पर हम ऐड करेंगे। आईडी ऐड करने के बाद इस तरह से जो पेशेंट है उनकी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल करेंगे नीचे साइड तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ऊपर साइड इनकी डिटेल भरी हुई है, कार्ड का जो एड्रेस वगैरह और भी डिटेल, और नीचे कुछ कम्युनिकेशन एड्रेस की जो डिटेल है वो हमें खुद से फिल करनी है। तो जो ऊपर डिटेल है सेम वही आप डाल सकते हैं, या फिर जैसे मोबाइल नंबर या फिर अदर चीज़ ऐसी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है मेम्बर टाइप का, यहाँ पर अगर आप सेल्फी हैं तो सेल्फ करके आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर चालू वाला मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर सकें, जिससे OTP आए तो वो आपके पास आ सके। और नीचे आप ऑप्शन देख रहे होंगे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिस डेट को आप एडमिट हुए हैं भर्ती हुए हैं वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। डेट सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, आई कंसेंट लिंक वाला एक नीचे ऑप्शन शो हो रहा है, दोनों ऑप्शन पर टिक करेंगे और नीचे वेरीफाई एंड रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। जो आपने मोबाइल नंबर डाला है रजिस्टर्ड उस पर यहाँ पर एक OTP आएगा जो आधार से लिंक है, और यहाँ पर डिटेल दिखा गई है वो आप पढ़ सकते हैं NHA के थ्रू। तो हमें यहाँ पर जो कोड आया है वो यहाँ पर हम एंटर करते हैं, देन यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेकंड का आपको वेट करना होगा और इस तरह से किस आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, और जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। देन अब देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, ये है हमारा सेकेंड स्टेप प्री ऑथराइजेशन जिसे हम बोलते हैं। तो आप एक केस देख सकते हैं प्री ऑथराइजेशन में सबसे ऊपर जो हमने केस रजिस्टर्ड किया है वो सबसे ऊपर रजिस्टर्ड किया है वो शो हो रहा है। अगर शो नहीं हो रहा तो ऊपर आप कार्ड नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर केस शो हो रहा है तो हम सीधा केस पर ही चल के यहाँ पर इस केस को ओपन कर लेते हैं। क्लिक करने पर कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है, और यहाँ पर IP पर क्लिक करेंगे और नीचे सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। देन ये और भी बहुत सारी डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी जहाँ से आपका केस स्टार्ट होता है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। और ये जो हम डिटेल फिल कर रहे हैं पेशेंट की, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं कि किस तरह से आप केस कर सकते हो। यहाँ पर हम कोविड का केस यहाँ पर रजिस्टर्ड करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्पेशलिटी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको इन्फेक्शन डिसीज़ जो ऑप्शन है चूज़ करना होगा। और जो भी आप, मैं सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप जो भी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो सारी चीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से पूछें प्रॉपर तरीके से, वो आपको बताएं क्या सिलेक्ट करना है। प्रोसेस सही रहेगा बट केस आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम आपको फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहे हैं कि आप कैसा करना है। यहाँ पर आपको अदर चूज़ करना है, जो भी आपके डॉक्टर हैं डॉक्टर के यहाँ पर नाम ऐड करें, उनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो यहाँ पर ऐड करें। देन आप नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन दो ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, इसको हम ऐड प्रोसीजर करेंगे। ऐड प्रोसीजर करने के बाद नीचे आप देख रहे होंगे इस तरह से हमारे पास ऑप्शन है ये शो हो रहे होंगे। जो भी हमने अब तक चूज़ किया है ये हमारा देखिए स्पेशलिटी प्रोसीजर कोड और भी जो किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। मेन चीज़ यहाँ पर आती है जो ऑप्शन आप देख रहे हैं एक्शन वाला ऑप्शन ही मेन चीज़ होती है। यहाँ पर लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि सर हम यहाँ पर क्या सिलेक्ट करें। तो चलिए ये चीज़ भी डाउट हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं।
यहाँ साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल शो हो रही है, देखिए क्या हमने कोड डाला है। और यहाँ पर बैट का ऑप्शन शो हो रहा है, बैट सिर्फ यहाँ पर कैटेगरी चूज ही करना है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये वाला, ये ऑप्शन बहुत खास है यहाँ पर, ये समझने वाली बात है। ये यहाँ पर पेशेंट आपका किस सिचुएशन में, कहाँ पर पेशेंट एडमिट है, वो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। तो ये चीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यहाँ पर चूज़ करें। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं HDU प्लस आइसोलेशन। चूज़ करने के बाद ऐड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आता है कि आपका प्रोसीजर ऐड हो चुका है। ओके करेंगे, देन इसको आप ऊपर से कट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक क्लिनिक एंड नोट्स का, तो हम यहाँ पर क्लिनिक एंड नोट्स ऐड कर देते हैं। और नीचे ऑप्शन दिख रहा है कोविड फॉर्म का, तो ये आप डॉक्टर से पूछिए कोविड फॉर्म यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको कट करते हैं। कट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद कुछ और डिटेल यहाँ पर भरनी है। देखिए जैसे IP नंबर, ये आपकी जो भर्ती पर्ची है, एडमिट कार्ड है, उस पर मिल जाएगा। और यहाँ पर एडमिशन टाइप सेलेक्ट करें, इमरजेंसी प्लान में ये सिलेक्ट करें यहाँ पर डॉक्टर से पूछ कर। और यहाँ पर पेशेंट डायग्नोसिस मेडिको, और यहाँ पर आपके जो डॉक्टर हैं डॉक्टर का नाम यहाँ पर ऐड करें। और यहाँ पर जो एडमिशन डेट है, एडमिशन डेट जो आपने सेलेक्ट की है रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो सिलेक्ट करें। प्रोसीजर कंसल्ट एस करें, और केस MLC है नहीं है वो यहाँ पर आप चूज़ करें। और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेंगे सेप का, एक मिलेगा प्री ऑथ इनिशिएशन का। तो हम यहाँ पर प्री ऑथ इनिशिएशन चूज़ कर लेते हैं। और व्यू अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेशेंट का फ़ोटो हमें ऐड करना होता है। तो फ़ोटो के सामने अपलोडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो चूज़ करेंगे और फ़ोटो यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। फ़ोटो अपलोड होने के बाद देख सकते हैं, फ़ोटो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, फ़ोटो जो आप अपलोड करना चाहते हैं वही अपलोड हुई या फिर दूसरी हुई। अगर गलत फ़ोटो अपलोड होती है यहाँ से आप कट करके फिर से अपलोड फ़ोटो कर सकते हैं। इसके दैन आप नीचे सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से एक मैसेज आएगा, यहाँ पर पेशेंट का आपका जो पास्ट हिस्ट्री है वो यहाँ पर आपको दिखानी होगी। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को पहले से तो यहाँ पर चूज़ करें, मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ अदर इफ एनी। चूज़ करने के बाद नीचे ऑप्शन है सेव का, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको कट करते हैं और फिर से जाके नीचे जो ऑप्शन है सबमिट का उस ऑप्शन को फिर से क्लिक करते हैं, जहाँ पर पेशेंट की कुछ और डिटेल यहाँ पर हमसे मांगी जाएगी। यहाँ पर टेम्परेचर, BP, पल्स जो है पेशेंट की डिटेल हमें फिल करनी होगी। तो हम यहाँ को ओके करते हैं। और नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब देखिए इस तरह से पॉप अप एक विंडो हमारे सामने आ जाती है स्क्रीन पर। नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर देख सकते जहाँ स्टार रेड स्टार शो हो रहा है सिर्फ वही चीज़ हमें यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर आपका फाइल में जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। टेम्परेचर और पल्स रेट और BP ये तीनों चीज़ यहाँ पर मैंडेटरी है जो यहाँ पर हमें ऐड करना होगा। और कुछ भी चीज़ अगर आप यहाँ पर भूल जाते हैं, ऐड नहीं करते हैं, तो जो प्री ऑथ इनिशिएशन का ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं होगा और एक केस प्री ऑथ इनिशिएट नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ हमने यहाँ पर फिल कर दी और फिल करने के बाद यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ऊपर मैसेज आएगा, ओके करेंगे और इसको हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद नीचे फिर से स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड और यहाँ पर आपको सबमिट करना है। तो अब फाइनली आपका प्री ऑथराइजेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा।
और सेकंड स्टेप आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पर, प्लीज सेलेक्ट प्राइमरी डायग्नोसिस। तो अगर आप कुछ भी चीज़ यहाँ पर फिल नहीं करते, छोड़ देते हैं जो मैंडेटरी है, तो वो मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें अदर सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर जो आपका डायग्नोसिस है वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है कि कोई चीज़ अगर छूटती है तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगा कि आपने क्या यहाँ पर छोड़ रहे हैं। चलिए अब इसको हम फाइनली सबमिट करते हैं यहाँ पर, और एक केस हमारे यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ये देखिए मैसेज आ रहा है। और ये सेकेंड स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मैसेज देख सकते हैं, और जो केस आईडी वगैरह वो सारी डिटेल यहाँ पर दिखा रही है। अब जो केस अभी हमें प्री ऑथराइजेशन में मिला था, अब ये केस हमें 5 से 6 घंटे बाद मिलेगा केस ऑफ डिस्चार्ज में। तो आपको 5 से 6 घंटे का वेट करना होगा, देन आप जाके केस ऑफ डिस्चार्ज में केस देखेंगे तो वहाँ पर केस मिलेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा पेशेंट रजिस्टर्ड कंप्लीट हुआ, सेकंड प्री ऑथराइजेशन कंप्लीट हुआ। प्री ऑथराइजेशन पर हम क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन आप देख रहे होंगे केस ऑफ सर्जरी, ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ वो केस 5 से 6 घंटे बाद में आपको शो हो जाएगा। कुछ केस तुरंत ही शो हो जाते हैं जो ऑटो अप्रूव्ड होते हैं, कुछ को टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कार्ड नंबर डालेंगे सीधा आप उस केस पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप सबसे लास्ट में आएंगे तो वो जो आपने केस किया वो केस सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर शो हो जाएगा लिस्ट में। तो हम सबसे लास्ट में यहाँ पर चलते हैं, जो भी हमने केस किए हैं उसके लास्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर वो केस में सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर एनहेंसमेंट करने वाले हैं। तो एनहेंसमेंट के लिए सिंपल सी प्रोसेस है, आप ध्यान से देखें। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड हम यहाँ पर ओपन कर चुके हैं। ये देखिए ऐसा ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज हमें दिखेगा, और ये पूरा डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ऊपर साइड में ऑप्शन देख रहे होंगे फोर्थ नंबर ऑप्शन प्री ऑथराइजेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। प्री ऑथराइजेशन पर जैसे क्लिक कर रहे हैं कुछ सेकंड के यहाँ पर वेट करना होगा, और कुछ इस तरह की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी जो हम पहले डिटेल फिल कर चुके हैं। नीचे आप ऑप्शन देख रहे होंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर एनहेंसमेंट, रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ से हम एनहेंसमेंट कर सकते हैं। चलिए ओके करते हैं, और आप नीचे यहाँ पर देख रहे होंगे पेशेंट की जो एडमिट डेट है वो शो हो रही है, फॉर्म डेट शो हो रही है, और भी डेट यहाँ पर शो हो रही है कि आप कितने दिन का एनहेंसमेंट लेना चाहते हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पर हमें फिल करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनहेंसमेंट मैक्सिमम आप एक बार में 5 दिन का कर सकते हैं, यानी एक साथ 5 दिन का एनहेंसमेंट ले सकते हैं। अभी हम 1 दिन का करते हैं। तो हमने 1 दिन की आगे की डेट सेलेक्ट की, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डे 1 आ गया है। अगर हम 4 दिन का एनहेंसमेंट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ डी यहाँ पर 4 आ चुके हैं। चलिए तो फिलहाल हम यहाँ पर 1 दिन का एनहेंसमेंट करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये चीज़ हम पहले सिलेक्ट कर चुके हैं, वो चीज़ यहाँ भी हमें सिलेक्ट करनी है कि पेशेंट हमारा भर्ती एडमिट कहाँ पर है, वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे वो ऑप्शन आ रहा है रीमार्क का, तो आपको रीमार्क यहाँ पर देखें। आप पैसे देख सकते हैं, पहले हमारा केस 4158 का था, 8316 पर केस हमारा पहुँच चुका है। यहाँ पर हमें रीमार्क लिखना है, तो यहाँ पर हम रीमार्क ऐड कर देते हैं। रीमार्क ऐड करने के बाद नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे व्यू अटैचमेंट, इसको ओपन करेंगे। अगर आपने 1 दिन का एनहेंसमेंट लिया है तो आपको 1 दिन के नोट्स यहाँ पर ऐड करने होंगे, या फिर 4-5 दिन का एनहेंसमेंट लिया है तो उतने दिन के नोट्स आपको यहाँ पर ऐड करने होंगे। हमने यहाँ पर 1 दिन का एनहेंसमेंट लिया है तो 1 दिन का नोट्स हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। एक दिन का नोट्स अपलोड करने के बाद नीचे आप ऑप्शन देख रहे होंगे फ़ोटो का, तो साथ में आपको यहाँ पर फ़ोटो भी अपलोड करनी है। नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अपलोड पर, यहाँ पर जो पेशेंट का फ़ोटो है वो फ़ोटो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। फ़ोटो चूज़ करने के बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इस तरह से हमारी फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट्स दोनों चीज़ें यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। इस पेज को हम क्लिक कर यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। नीचे आप ऑप्शन देख रहे होंगे इनिशिएट एनहेंसमेंट, इस ऑप्शन को जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा एनहेंसमेंट यहाँ पर डन हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप समझ चुके होंगे। आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो ये हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम की आईडी पर हमें फॉलो करें, वहाँ पर मैसेज करें, सभी क्वेश्चन मैं आपको आंसर करूँगा वहाँ पर।